हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। किंतु जय किसान नामे नारा दौचे चाषी केत मात्र वर्तमान खुशी अनुभव करुच्छी, केत मात्र तार हक पाई पारुच्छी, केत मात्र से चाष कले तार पाउणा पाई पारुच्छी, केत मात्र चाष करि ता परिवार प्रतिपोषण करि पारुच्छी, केत मात्र चाष करि से गुटे माने अलगा दुनिया रे निज को जीवन जापन करि पारुच्छी। जिदि हाईफाइ आम कहू था हाईफाई जीवन जापन करि पारुच्छी कि आपण माने कहू नांती नाही। चासी वर्तमान वर्तमान तो नुहे सदाबेळे सबु समय रे अवहेलित निष्पेषित होइ रही थाए। कौन पाए ना चासी वर्तमान जाए भी तार हक आज जाए पाई पारुने। आपण माने देखिथिबे जेते भी चासी बा चाष करुछंती किए भी हाईफाई जीवन जापन बा अतिरंजित जीवन जापन करना सदा बेले दुख जर्जरित सहित से माने जीवन अतिपात करना उपयुक्त पावण भी पाईना। एवं चाष कार्य एत सहज नुहे किंतु चाष कार्य कर निजकू खुशी लगुच जेहेतु कि आम देश को पृथ्वी को समस्त मानव समाज को आम चाष कर अन्न मुठाई दे पारे से हीटा ही आमपाई जथेष। किंतु चाष कार्य के कष्ट आपण मैंने हेत जदि चाषी परिवार ताहल निहाती भाव जापार थे गोटे चाष आपण देखिपी आज नूतन ब्लग्रे आपण स्वागत करुच्ची। मो आसी आम जमीठारे आसी आमर तो चाष आम तो चाषी घर छुआ तो सदा बेल आम चाष उपर निर्भर रही है। आम मुख्य पेशा हूँ चाषी तो देखिपार गोटे धान अमल करने के कष्ट सहवाक पड़ता है। आपण मैंने निज छुआ जिते जत्न करते लालन पालन करूँ अधिक ये धान गच को आमे जत्न करने को पड़ता है जैक आम उत्तम फसल भल फसल खंडिके पाई। किंतु आपण मैं देखिए जदि चारा बुणवा टू चारा लगे टू आरंभ कर घर को आने पर्यंत एवं मंडी में धान बिक्री पर्यंत चाषी बहुमात्र दुख जर्जरित कष्ट सही थाए तो मन भितर गोटे संकोच रही थाए गोटे आशंका रही थाए गोटे डर रही थाए कौन पाएना ए बर्षर चाष मत अमल दब ना ना मु ऋण सुझी पारी ना ना एमती अनेक किसी चाषी मन भितर धारी होता है प्रश्न। तो निहत भाव में मुझे ब्लॉग कर तो कौन पाए ना आम बर्तमान ये धान बाहर बस लार दुनिया रोग आान गच आप देखिपार मुण मान देखा चेष्टा करी ये धान पत्र सुखा बस लादी सुखी जाए टोटाल आ चाष ये जो धान केंडा बाहर धान बाहर से धान आउ हेनी अगाड़ी हो माने सेठारे ये धान अगाड़ी हो तार किसी खाद्य प्रस्तुत करें धान हेना यहाँ अगाड़ी हो जाए तो निहाती भाव से मु मैडम की भी फोन करी एओ मैडम आसते एग्रीकल्चर ऑफिसर मैडम आम नुआर आसी आसी आमको समस्त कहीकि गले से कहते आमर यूरिया पोटास यूरीयर एवं पोटासर परिमाण माने समान अवस्था नाला यूरिया परिमाण बहुत मात्रा थिला पोटास परिमाण कम थिला से ये ता बाद आम जो देखा सी कही खाली तो नुह पोटास मारे हम गोटे धान गच को पांच प्रकार रोग होती पांच प्रकार कौन ना आपण मैंने जानते आपण मानक जदि ज्वर होता है काश होता है मुंड बथा होता है पेट बथा होता है सेमती उदाहरण देते पेट बथा होता है एमती पांच छः प्रकार रोग होता है। तो चाषी एमती जदि धान गछ को पांच छः प्रकार रोग हेले आज्ञा कौन से चाष कर कौठ आण पैसा कौठ से एठार पैसा खर्च करके लगे कि धान अमल करे पुणी कष्ट सहवाक पड़ता है मंडी में धान बिक्री आपण मैंने देखिपार मंडी में जिते सब आम धान बिक्री होान बिक्री समय रे बहुत मात्रा रे कष्ट सहवाक पड़ी मसे मसे मंडी में धान रही जा तो निहाती भाव में तो देखिपारे आम भाई जन अच्छा सी ये निहाती भाव में मो पछ कानी देखिपारे सी वर्तमान एठार पोटास मैडम आमको कही पोटास परिमाण टी दबा पड़ो एकर पिछा 12 किलो तो बाली रे आमे पोटास मिसेछु मिसेकि एठार आनिकि मारुछु ता बाद आमको स्प्रे करबा पड़ो जेहेतु कि पांच प्रकार रोग होइछि एमिति नजे आउ समस्ते मध्य सचेतन होबा दरकार आमे रासायनिक सार बहुत मात्रा रे प्रयोग करुछे आउ जदि भी रासायनिक सार प्रयोग करुने ना धान भी सेई प्रकार अमल आसुनी एतु आमे बाध्य होइछे रासायनिक सार प्रयोग करबा पाई।
ତ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ଜୈବିକ ସାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର, ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆଗ ପ୍ରକାରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ରହୁଥିଲେ, ତ ଗାଈ ଯେଉଁ ଖତ ହେଉଥିଲା, ସାର ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ପୁଣି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଜମିରେ ସେଭଳିଆ ଫସଲ ଆସୁନି ବା ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି।